सेंगोल को लेकर हो रहा है धर्म युद्ध। नई संसद के साथ सेंगोल पर भी मच रहा है घमासान। नई संसद की पहचान सेंगोल। सेंगोल को लेकर विपक्ष क्यों इतना बौखलाया? राजदंड के शीर्ष पे विराजमान है नंदी। नंदी से क्यों घबराया हुआ है विपक्ष? सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के वकील को लगाई फटकार। कोर्ट ने पूछा क्यों ना लगाया जाए आप पर जुर्माना। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अदिति शर्मा। नई संसद भवन के उद्घाटन की खबर के साथ चर्चा में आए सेंगोल को कुछ समय पहले कोई जानता तक नहीं था। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के साथ ही सेंगोल भी सुर्खियों में है, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों के कारण लोगों के बीच सेंगोल की कहानी और महत्वता चर्चा का विषय बन गई है। सेंगोल को लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध लगातार जारी है और देश की आवाम जानना चाहती है कि आखिर सेंगोल की वजह से विपक्ष क्यों इतना परेशान है। आपको बता दें कि सेंगोल और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। बता दें कि तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराने की मांग रखी है और बायकट का ऐलान कर दिया है। और आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के वकील जिया सुकीन की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद के उद्घाटन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना क्यों ना लगाएं? इसका जवाब याचिका दायर करने वाले वकील के पास नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस करने की अनुमति एक शर्त पर दी कि अब आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। इसके बाद लगता है कि ये विवाद अब शांत हो जाएगा और साथ ही सारे विपक्ष को सद्बुद्धि आएगी और सारा विपक्ष संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होगा। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का याचिका खारिज करने के बाद भी विपक्ष सेंगोल को लेकर अड़ गया है। गौरतलब है कि नए संसद भवन में रखे जाने वाले सेंगोल यानी राजदंड को लेकर बहस शुरू हो गई है। नई संसद में लगने जा रहे राजदंड सेंगोल को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, किसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सौंपा गया था। उन्होंने कहा, माउंटबेटन राजा जी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि यह राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इससे जुड़े सभी दावे फर्जी हैं और कुछ लोगों की दिमागी उपज है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब में ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इतिहास को झुठला रही है। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शर्मर्ट थिरुवदु थुराई अधिनम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता सपा एसटी हसन ने सेंगोल को एक धार्मिक प्रतीक करार देते हुए कहा कि अगर आपको लगाना ही है तो सभी धर्मों के निशान को लगाना चाहिए ताकि अन्य धर्मों के लोगों को ये एहसास हो। उन्होंने कहा कि देश की पार्लियामेंट पर सभी का बराबर हक है और अगर ऐसे में सिर्फ एक धर्म के निशान को लगाया जाता है तो दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। साल 1947 में स्वतंत्रता के समय आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल पंडित नेहरू को सौंपा था। इसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में नेहरू को तोहफे में मिली स्वर्ण छड़ी बताकर रख दिया गया। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी सूचना कुछ साल पहले एक वीडियो से लगी। 5 फीट लंबे सेंगोल पर वीडियो वुमडी बंगारू ज्वेलर्स ने बनाई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अमरिंदर वुमडी ने कहा कि उन्हें सेंगोल के बारे में खुद भी नहीं पता था। वो तो 2018 में एक मैगजीन में इसका जिक्र देखा और जब खोजा तो 2019 में उन्हें ये इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा हुआ पाया। बंगारू चेटी द्वारा सेंगोल को 100 से अधिक सोने के गहनों से बनाया गया था, जिन्होंने उस समय इसे बनाने के केवल
₹15,000 लिए थे और 30 दिन से भी कम समय में इसे तैयार कर दिया था। बताया जा रहा है कि सेंगोर की जानकारी पीएम मोदी को प्रसिद्ध डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने चिट्ठी के जरिए भी दी थी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में तमिल मैगजीन तुगलक में प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए सेंगोर के बारे में पीएम को बताया। साथ ही मांग उठाई कि पीएम इस बारे में जानकारी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों के साथ साझा करें। पीएम मोदी कार्यालय में ये चिट्ठी रिसीव होने के बाद सेंगोर की खोजबीन शुरू हुई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के विशेषज्ञों की मदद ली और राष्ट्र अभिलेखागार से लेकर उस वक्त तमाम अखबारों और डॉक्यूमेंट्स में इसके बारे में खंगाला गया। हालांकि बाद में पता चला कि सेंगोर प्रयागराज के आनंद भवन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन एक नई परंपरा भी शुरू होने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोर को स्वीकार किया था। अमित शाह के अनुसार नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया था और तब से सेंगोर म्यूजियम में ही रखा है। उनके अनुसार सेंगोर चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि सेंगोर की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अधिनम से सेंगोर स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के पास इसे स्थापित करेंगे। आपको बता दें सेंगोर एक राजदंड की तरह है, इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोर दिया जाता था। इसे सत्ता की पावर का केंद्र माना जाता है। खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में सेंगोर को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बॉयकट को लेकर 19 राजनीतिक दल एकजुट क्या हुए क्यास लगना शुरू हो गया कि इस मसले पर विपक्षी एकता दिख रही है। इस एकता को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाने लगा है, लेकिन यह एकता कितने समय तक टिक पाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ विपक्षी दल इस मसले पर अब धीरे धीरे केंद्र सरकार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली YSR कांग्रेस पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार में विपक्षी दलों के साथ नहीं आएगी। वहीं ओडिशा में नवीन पटनायक की अगुवाई वाली BJD ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का ऐलान किया है। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति के सांसद भी फैसला करेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष BJP के खिलाफ लामबंद होने का दावा कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि वह BJP को मात देने की तैयारी में जुटा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष एकजुटता का एक मैसेज तक तो देश के आगे रखने में सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे किस आधार पर करेंगे। भले ही 19 विपक्षी दल समारोह के विरोध में हो, लेकिन कई दल सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार को मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी, चंद्रबाबू की देशम पार्टी YSR कांग्रेस और AIDMK और अकाली दल का समर्थन प्राप्त हुआ। यह तमाम दल उद्घाटन समारोह में शिरकत कर सकते हैं। मायावती ने पहले ही घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इन सभी में आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।